Hi friends, welcome back to my channel. Hope you people are doing good and you people are safe. In today's tutorial, I have come up with this beautiful resin art. This is for the first time that I'm using it in my project and I totally loved the look. So let's start. Materials jo aapko yahan pe required hai, wo hai MDF wall block, resin. यहाँ पे दो बॉटल्स हैं, क्लियर और हार्डनर, एक्रिलिक कलर, फ्लैट ब्रश, वुडन स्टिक्स, पेपर कप्स, डेकोरेटिव्स एंड मेजरिंग कप. सबसे पहले मैं बेस को प्राइम करूंगी यूजिंग व्हाइट चॉक पेंट. प्राइमिंग द बेस इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट ताकि आप जो भी कलर्स यूज करें वो हाईलाइट हो. नेक्स्ट आपको रेजिन लेना है. इसमें टू बॉटल्स आती हैं, क्लियर रेजिन एंड हार्डनर. फॉलोइंग द बॉटल्स इंस्ट्रक्शंस मिक्स इट इन द रेशियो 1:1. इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे. आई एम गोइंग टू गिव दिस वॉल क्लॉक एन ओशन लुक. इसके लिए मैं पेपर कप्स में एक्रिलिक कलर्स ले रही हूं. मैंने यहां पर प्रूजियन ब्लू, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर्स का यूज किया है. एड रेजिन टू द कप्स एंड इसको प्रॉपरली मिक्स करिए टू अवॉइड एयर बबल्स. अब मैं रेजिन को बोर्ड पे स्प्रेड करूंगी. आपने अगर कोई पिक्चर देखी है ओशन की तो ऊपर से डार्क और नीचे लाइट शेड्स होते हैं. मैं वही फॉलो कर रही हूँ. ऊपर प्रूजियन ब्लू, बीच में नेवी ब्लू और सबसे नीचे लाइट ब्लू कलर का यूज कर रही हूँ. गाइज यहाँ पर आप अपने रेगुलर आर्ट ब्रशेस को मत यूज करिएगा एज रेजिन हार्ड होकर ब्रश से निकलेगा नहीं. मिक्स देम यूजिंग अ वुडन स्पून इंस्टेड. वेव्स के लिए मैं व्हाइट रेजिन का यूज करूंगी. स्प्रेड इट एंड मिक्स. मेक श्योर दैट यू यूज व्हाइट कलर मोस्टली एट द बॉटम. नाउ आई विल ऐड शेल्स एंड सैंड टू गिव इट अ बीच लुक. अगर आपको कोई एयर बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो उसे हीट गन या फिर पिन से हटा दीजिए. ड्राई होने के बाद एट द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बैक इन प्लेस एंड यस योर क्लॉक इज रेडी. गाइस सिंस दिस वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट विद रेजिन आई वुड वांट टू शेयर माय लर्निंग्स विद यू. Very, very, very important, wear gloves all the time. Instead of using sand on the resin, mix it with clear resin and then apply on the surface. Cover your work before leaving it to dry in order to avoid any dust on it. Do let me know in case you have any questions.